नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल आदाब न्यूज ऑटोकास्ट में आप सभी का स्वागत है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। पता क्या चीज कि जैसे तेल का भाव बढ़ रहा है वैसे सीएनजी का भाव बढ़ेगा। अरे हमसे मिलो यार, जिस दिन सीएनजी का भाव बढ़ेगा ना उस दिन मैं सीएनजी का ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि हर घर में सीएनजी गैस बनेगा। अरे वाह, अगर आपको ना विश्वास हो गोबर गैस तो आप हम तो जुड़े रहो। सिर्फ बस मेरे पास ऐसा बंदा है जो सीएनजी गैस यार खुद बनाता है। मैं आप सभी को उससे मिलाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा वो कैसे बनाता है, कब बनाता है, कहां बनाता है। मैं खुद उस जगह पे गया हूं और उसकी जनरेटर को मैंने भाई साहब सेट किया है। और पता है 25 किलो वाट का जनरेटर, 5 किलो वाट का जनरेटर घर पे हम लोग तेल बेचने बैठ जाते हैं। 25 किलो जनरेटर भाई साहब, पूरी पूरी फैक्ट्री चलती है। मैं उस बंदे से आपको मिलाऊंगा, चुनार के अंदर वो फैक्ट्री है। आप चुनार से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप देखना, चुनार में आप किसी से पूछना वो बताएगा कि हाँ चुनार में वो गैस फैक्ट्री कहाँ पे है। उस जगह पे सीएनजी गैस खुद बनाता है। जिस दिन भाई सीएनजी के भाव बढ़ गया ना, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि सीएनजी गैस आपको कैसे बनाना है। आप याद रखना, मैं मनोज कुमार कुशवाहा न्यूज ऑटोकास्ट फ्रॉम लखनऊ, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा और समझाऊंगा भी कि सीएनजी गैस कैसे बनेगा। और लोगों के दिमाग में जो बहम घुसी हुई ना उसको तो मैं निकाल के इसे फेंक दूंगा कि आप सोच नहीं सकते हो सीएनजी गैस घर घर बने। चलूंगा जिस जगह पे सीएनजी गैस बनी हुई थी उनका जो है 3 गैस सक्सेस हो गया, 1 गैस सीएनजी वाला सिर्फ जरा सा माइनर मिस्टेक के लिए वो गड़बड़ कह सकते हैं, फेल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं खुद उनके जनरेटर को, जो जनरेटर उनका 25 किलोवाट का है, उस जनरेटर को मैंने खुद अपने, देखिए 10 उंगली है और एक छोटा सा दिमाग, इससे हमने सेट किया और उसको चलाया। वो मेरे से भाई साहब 3 बार हाथ मिलाए और कम से कम थैंक यू बोले कि भैया अगर आप नहीं आते तो मेरा ये पूरा प्रोजेक्ट 1.5 करोड़ रुपये का फेल हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो खुद का सीएनजी गैस बनाते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि कोई हिंदुस्तान में भाई साहब ऐसा काम करता है। हमारे अंदर बीमारी है ये, पता है क्या चीज़ कि कोई बढ़ता है ना तो उसको बढ़ाने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हाँ मैं यार तुमने ऐसे नहीं ऐसे किया तो ये हो जाता। क्या ऐसे हो जाता? तुम उसको ये ट्रिक दो कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाता बल्कि ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा तो मैं मानूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता। हम खींच सकते हैं, पता है क्यों? हम भारतीय केकड़ा हैं। केकड़ा क्या है? केकड़ा है, एक भागेगा ना दूसरा टांग पर खींच देगा। एक कहानी बता रहे हैं, पता है क्या चीज़, एक बार विदेश में, मतलब मेरी पर्सनली मनगढ़ंत कहानी है, मनगढ़ंत कहानी, अब सुनो आप लोग क्या चीज। विदेश में एक बार जो है बहुत बड़ा वो लगा, क्या लगा? कोई कैंपस लगा, मेला लगा। उस मेले में हुआ कि अजीब चीज को यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। उस समय यहाँ पे गांधी जी वगैरह, मैं मान सकता हूँ कि हो सकते थे। देखो मैं देखने नहीं आया था यार, मैं पैदा ही नहीं होता कि देखूँ कहाँ से यार, ये भी तो बात सत्य है। तो जब वहाँ पे गए तो इन्होंने पता क्या किया, भारत से जो है ना एक ट्रक केकड़ों को लाद दिया। और क्या किया, मजे की बात ये है कि ऊपर से डाले को बंद नहीं किया, पर्दे को बंद नहीं किया, जैसे कि मेरे छत पे सर पे दिख रहा होगा केकड़ा। तो ये जो है ना जब बंद नहीं किया तो पता है क्या हुआ, पूरी की पूरी ट्रक गिनती में गए केकड़े, इतने रे, इतने 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 पीस। और जब यहाँ से चल करके बाई रोड कहाँ पहुँचा, USA, जिसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। जब वहाँ पहुँचा तो उन केकड़ों की गिनती की गई, गिनती में पता क्या पाया गया, पूरे के पूरे केकड़े एकदम बराबर हैं भाई साहब। तो वहाँ जो उस समय राष्ट्रपति थे उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को फ़ोन किया, पता क्या कहा, अरे साहब एक बात बताइए। कहे साहब पूछिए, साहब आपने किस ट्रिक से भेजा है कि डाला खुला है और केकड़े एक भी कम नहीं हुए? तो यहाँ से जवाब पता क्या गया, साहब परेशान ना हो, ये हिंदुस्तानी केकड़े हैं, एक भोंसड़ी के भागेगा ना दूसरा टांग पकड़ के खींच देगा। समझ गए आप, इस साला हिंदुस्तान, हम लोग इसीलिए हम लोग गधे हैं, दिमाग को नहीं लगाते, सही चीज नहीं सर्च करते। हम रोजगार ढूंढने में अपने जीवन खपा देते हैं लेकिन रोजगार नहीं करते।
सोच के देखो आप, रोजगार करने वाले के लिए रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन रोजगार ढूंढने वाले यार रोज रोजगार ढूंढते हैं। आज तक हमसे पूछो, मैं किसी नेता के पीछे आज तक नहीं गया हूँ। एक बार मैं लालू प्रसाद यादव को देखने गया था, साला हमारे टट्टे पे चोट लग गए, बहुत गरियाए। 8वीं क्लास में थे, बकरी बंधी थी, डोरी में हमारी साइकिल के पैडल फंस गए। मैं उछला, हैंडल के बोल्ट जो होता है ना उसमें चोट लग गई यार। मैं सही बता रहा हूँ, मैं कान पकड़ा, उन्होंने हम कहे साले नेताओं में है क्या चीज़। मैं खुद एक बहुत बड़ा कलाकार हूँ, मैं खुद बहुत बड़ा भाई है दम। क्या बात, आप भी अपने आप को ढूंढो, परखो, जानो, समझो आप किस चीज़ में फिट बैठते हो। घर वालों को भी सपोर्ट मत लो यार, तब मैं समझूं कि आप जबरदस्त और मर्द और सही सोचने वाले आदमी हो। अगर मेरा आज का वीडियो भाई साहब आपको समझ में आएगा ना, तो आपको दुनिया में कोई रोकने वाला माइक लाल पैदा नहीं हुआ है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने माँ बाप को ध्यान रखना। इसी के साथ मैं चलता हूँ यार, क्योंकि मेरे भी तो बच्चे हैं।